गाइस, तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के सबसे पॉपुलर डी क्रश कॉलेज के बारे में। कोई भी स्टूडेंट जब हरियाणा से अपनी स्कूलिंग करता है तो इस कॉलेज में पढ़ने के सपने जरूर देखता है। तो आइए मेरे साथ और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आखिरकार इस कॉलेज में ऐसा है क्या। आज हम जानेंगे कब कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, क्या एफिलिएशन है कॉलेज के, कॉलेज कहाँ लोकेटेड है, कैंपस कैसा है कॉलेज का, कौन कौन से कोर्स कॉलेज में कराए जाते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का, एडमिशन प्रोसीजर क्या है इस कॉलेज का, स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं इस कॉलेज में, कितनी रैंक में आपको कोर्स मिलेगा, हॉस्टल लाइफ कैसी है, लास्ट प्लेसमेंट कैसी है इस कॉलेज की। सबसे पहले बात करेंगे इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। तो 1987 में इस कॉलेज की स्थापना हुई और इस कॉलेज की फुल फॉर्म है दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी को 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आइए देखते हैं डी क्रस्ट के पास कितने एफिलिएशंस हैं। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के पास सारे एफिलिएशंस हैं, जैसे AICTE से कॉलेज अप्रूव्ड है, UGC से अप्रूव्ड है, NCTE से अप्रूव्ड है। देखें तो यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट ही है। द यूनिवर्सिटी इज इन मुरथल ऑन द नेशनल हाईवे नंबर 44। इट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम इंटरस्टेट बस टर्मिनल दिल्ली एट 4 किलोमीटर फ्रॉम सोनीपत बस स्टैंड। द कैंपस ऑफ द कॉलेज हैज बीन डेवलप्ड ऑन 273 एकर्स ऑफ लैंड व्हिच फॉल्स विद इन द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम कुंडली टू पानीपत। काफी बड़े क्लासरूम, लैब्स, कैंटीन, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेंगे आपको कॉलेज के अंदर। और अगर बात करें फेस्ट ऑफ कंपटीशन की, तो रिव्यूज से हमें पता चला है कि हर 6 महीने में फेस्ट ऑफ कंपटीशन कॉलेज में कंडक्ट होते रहते हैं। और अगर बात करें कोर्सेज की, तो ये कॉलेज लगभग सारे ही कोर्सेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जैसे डिप्लोमा, बीटेक इन CSE, बीटेक इन आर्किटेक्चर, MSc, MBA, PGDM, और फीस भी नॉर्मल ही है इस कॉलेज की। स्क्रीन पर दिए गए सारे कोर्सेज कॉलेज में करवाए जाते हैं और साथ में उनका फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। अगर आप बीटेक या बीटेक की किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जेई मेंस का एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपको काउंसलिंग का वेट करना होता है। और अगर हम बात करें दूसरी डिग्री का, तो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपको देना पड़ता है, जो कि यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करवाती है, जिसमें मिनिमम 70% लाने होते हैं स्टूडेंट्स को। और अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो कॉलेज 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है कैटेगरी बेस्ड स्टूडेंट्स को, जैसे SC, ST, OBC। अगर आपने 12th में 90% से ज्यादा स्कोर करा है तो भी आपको 50% स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगी। अब हम जान लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या रहती है। हमें रिव्यू से ये कट ऑफ मिली है, जो कि आपकी 2018 की कट ऑफ है, एंड दिस इज योर ऑल इंडियन रैंक। अगर आपको बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करनी है तो 8 लाख की रैंक के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 2 लाख के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में 1 लाख के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 9 लाख के अंदर आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, और बाकी की रैंक स्क्रीन पर दी गई है। अगर बात करें हॉस्टल लाइफ की, तो हॉस्टल कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स काफी खुश हैं हॉस्टल में रहकर। पास में ही आपको मुरथल मिल जाता है, कॉलेज के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मुरथल है। काफी बच्चे आते हैं वहां मौज मस्ती करने। कैंपस के अंदर 4 बॉयज हॉस्टल देखने को मिलेंगे आपको और 3 गर्ल्स हॉस्टल। एंड बात करें अगर मेस की, तो मेस का खाना काफी ज्यादा अच्छा होता है। बॉयज हॉस्टल में बॉयज के लिए जिम भी बनाई गई है। आइए देखते हैं प्लेसमेंट इस कॉलेज का। रिव्यूज की माने तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट डी क्रस्ट मुरथल हैड द हाईएस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ 100%। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट डी क्रस्ट मुरथल सॉ एन इंक्रीज इन प्लेसमेंट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऑफ 23%, एंड बाकी की प्लेसमेंट रेशियो कोर्स के साथ स्क्रीन पर दी गई है। विप्रो, टाटा, HCL, Amazon, Genpact जैसी ढेर सारी कंपनीज आती हैं कैंपस में स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। तो आज का मेरा टाइम यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।